हेलो फ्रेंड्स, शाइन स्टार चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आप किसी भी फॉरेन कंट्री में बाहर जब जाते हो तो आपके पास पैसे कम पड़ जाते हैं, तो आप किस तरह से अपने पैसों की कमी को पूरा कर सकते हो। इसके दो तरीके होते हैं। जैसे आप बाहर गए तो एक तरीका तो ये है कि आप स्टार्टिंग में जब जाते हो तो आपने होटल बुक किया हुआ है, होटल बुक करते हो तो उसमें भी आपके पास काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि वहां पे शेयरिंग रूम भी मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल सेपरेट होते हैं। एक कमरा होता है बिल्कुल सेपरेट होता है जिसमें आपकी किचन भी होती है, वॉशरूम भी होता है, उसी में दिया होता है, और किचन से रिलेटेड सारी चीजें भी उसमें पहले से ही होती हैं, फ्रिज वगैरह ये सब चीजें लगी होती हैं। तो उसमें आपके पैसे काफी कम लगते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप पहले स्टार्टिंग में एक हफ्ता भी अगर आप होटल में रहे हो, उसके बाद आप पता कर सकते हो कि शेयरिंग रूम कहाँ पे मिलते हैं, तो आपने शेयरिंग रूम वहां से ले लो और वहां से बुक कर सकते हो। उसके बाद आप वहां पे पैसे थोड़े बचा सकते हो। तो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया किस तरह से आपके पैसे सेव हो सकते हैं शेयरिंग रूम लेके, और दूसरा ऑप्शन होता है कि सबसे ज्यादा पैसे हमारे लगते हैं खाने पे। जब हम अगर आप चार जने भी हो तो आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर में आपके काफी $100-150 तो आपको कहेंगे कि आपके एक दिन में लग जाएंगे। तो ये पैसे आप कैसे सेव कर सकते हो, आप जहाँ भी रह रहे हो आसपास गुरुद्वारा जरूर होता है, वहाँ पे आप कहीं भी जाते हो यूएसए में न्यूयॉर्क के आसपास तो आपको वहाँ पे काफी गुरुद्वारे मिल जाते हैं। गुरुद्वारे में फ्री लंगर होता है, आप सुबह जाओ आपको चाय पकौड़ा ये वो सब पूरी छोले सब मिलते हैं, और दोपहर के टाइम भी वहाँ पे लंच में भी अच्छी चीजें होती है और डिनर में भी सब चीजें होती हैं। तो आप वहाँ जाके आपके पैसे इस तरह से बच जाते हैं कि आप हफ्ते में दो बार भी अगर जाते हो, तीन बार भी जाते हो, तो आप वहाँ पे बैठो, अरदास करो और अच्छे से खाना खाओ, और फिर उसके बाद थोड़ी सेवा भी करो, बर्तन भी अपने साफ कर दो और दूसरों के भी साफ करो। इससे हमें सेवा जब हम करते हैं तो हमें मन में भी शांति मिलती है। इस तरह से आपके पैसों का मैंने ऑप्शन बताया कि आप अगर जब जाते हो तो आप पैसे कैसे सेव कर सकते हो, एक तो शेयरिंग रूम से, और दूसरा है कि ये इस तरह से आप गुरुद्वारे में जाके अपना थोड़ा पैसे सेव कर सकते हो खाने से। तो जो पैसे आपके बचते हैं उन पैसों से आप अपनी मनचाही चीज जो आपने सोची हुई है आप वो भी ले सकते हो, गिफ्ट्स खरीद सकते हो वहां से। अगर आप नहीं भी चाहते तो तब भी आप, हर कोई चाहता है कि हमारे पैसे सेव हो। वहां पे मैंने देखा कि जैसे स्टूडेंट्स भी सुबह सुबह आ जाते थे, अपना अरदास करते थे और फिर नाश्ता वगैरह करते हैं, और फिर जो उनके पास लंच बॉक्स होता है वो लेके वहां से टिफिन भर के अपना स्कूल में ले जाते हैं। तो इस तरह से वो सर्वाइव करते हैं वहां पे, अच्छा है, उनको अच्छा लगता है कि उनको अपना मनी सेव करनी आती है। तो आप भी इस तरह से इसका बेनिफिट उठा सकते हो। कई लोगों को नहीं पता होता कि हम वहां पे जाके कैसे पैसे बचाएं, तो ये एक तरीका है कि आप पैसे बचाओ। इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ी पिक्स भी बताती हूँ। अभी आप देखो पिक्स में किस तरह से फ्री लंगर लगा हुआ है, जलेबी पकौड़े गुलाब जामुन, ये अभी मैं आपको पिक्स दिखाती हूँ, आप देखो। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पिक्स मैंने ली थी, ये न्यूयॉर्क के आसपास के रिचमंड हिल के आसपास के गुरुद्वारे हैं। इसमें जब प्रकाश दिवस होता है, जब बाबा जी का बर्थडे होता है, तो उस दिन सारे गुरुद्वारों को प्रकाश से सजाते हैं। और ये जो गुरुद्वारा है फ्रेंड्स, ये कैलिफोर्निया का सेंट जोस के नाम से गुरुद्वारा है, बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा है। देखो आप कितना बड़ा गुरुद्वारा है, ये बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, और जब ये लोग फिर अंदर लंगर हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर सुबह के टाइम इनको पकौड़े मिलते हैं, पूरी मिलती है, चाय मिलती है, उस तरह से लोग अपने आप ही चाय सर्व करते हैं, अपने आप ही वो पूरी छोले भी होते हैं वहाँ पर वो लेते हैं चाय, गरम गरम चाय, वहाँ पे मशीन लगी होती है, लोग अपने आप ही भरते रहते हैं। उसके अलावा फिर वहाँ पे स्वीट डिश में जलेबी होती है, गुलाब जामुन होते हैं, लोग अपने आप ही वहाँ से सर्व करते हैं। थाली अलग अलग तरह की होती है सभी गुरुद्वारों में, किसी में पत्तल होते हैं, किसी में स्टील की थाली होती है, सब्जियाँ भी होती हैं चार पांच तरह की, मखनी दाल, शाही पनीर, राजमा, इस तरह से बहुत सब्जियाँ बनी होती हैं। रोटी भी गरम गरम वो लोग बनाते हैं और गरम गरम ही सर्व करते हैं, सब लोग अपने आप ही लेते हैं वहाँ पर, सेल्फ सर्विस भी होती है, और थाली अपने हिसाब से अपने ढंग से सजाते हैं, जिस जो उन्होंने चीज़ खानी होती है वही वो अपनी प्लेट में लेते हैं। सभी गुरुद्वारों में अलग अलग तरह से थालियां सजी होती हैं। तो देखा आपने फ्रेंड्स कितनी अच्छी थाली सजी हुई है। तो देखा फ्रेंड्स आपने यूएसए के गुरुद्वारों की पिक्स। इसी तरह से मैं आपको और भी आगे इससे रिलेटेड, यूएसए से रिलेटेड वीडियोस दिखाती रहूंगी। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो मेरी है वो है टॉक टाइम ब्रेक वीडियो, उसमें आप देखोगे कि मैंने कौन सी वीडियो अपलोड करी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल को टच करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।